तो मैं आज आ चुका हूँ कोरबा शहर के श्री रेस्टोरेंट सुरुचि, जहाँ आपको 150 रुपए के अंदर में अनलिमिटेड खाना मिलता है गाइस। तो गाइस फाइनली कोरबा शहर के सुरुचि रेस्टोरेंट में देख सकते हो मेरा थाली लग चुका है, तो मैं अभी पनीर के साथ खाता हूँ रोटी को। ये देख सकते हो आलू के साथ खाता हूँ रोटी को। दाल वगैरह है, दाल वगैरह का तो मैं चावल में खाऊंगा, मैं तो दाल चावल में खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस देख सकते हो सब्जियों को रिफिल करा जा रहा है। ये देख सकते हो चावल आ चुका है अपना बहुत गरम गरम, तो चलिए चावल को खा लेते हैं। ये आ चुका है पत्ता गोभी की सब्जी। तो गाइस यहाँ हर दिन सब्जी चेंज होती रहती है, अभी हम लोग खा रहे थे क्या बोलते हैं लौकी की सब्जी, और अभी देख सकते हो पत्ता गोभी की सब्जी खत्म हो गया, न्यू सब्जी ऐड कर दी है। तो गाइस देख सकते हो देखते ही सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा में बहुत भीड़ हो चुका है, ये देख सकते हो आप। एंड गाइस सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा का ये देख सकते हो, ये आउटलेट है, मेन्यू है थाली करके। एंड गाइस यहाँ पर एक आप देख सकते हो नोट करके लिखा हुआ है सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा अनलिमिटेड खाना है, तो यहाँ जरूर आना है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज आ चुका हूँ कोरबा शहर के श्री रेस्टोरेंट सुरुचि, मतलब कि सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा, जहाँ आपको 150 रुपए के अंदर में अनलिमिटेड खाना मिलता है गाइस। फिलहाल आपको मेन्यू भी दिखा दूंगा अंदर जाके, तो चलिए चलते हैं, सेकंड फ्लोर जाना पड़ेगा अपन को खाने के लिए, तो चलिए सेकंड फ्लोर चलते हैं। श्री रेस्टोरेंट सुरुचि, तो अपन सेकंड फ्लोर जा रहे हैं गाइस, तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं और अपना थाली को लगवाते हैं। तो गाइस फाइनली सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा में अपना थाली लगने जा रहा है। तो यहाँ पर आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, दाल है, लौकी है और आएगा सब्जी। तो यहाँ पर रायता आ चुका है देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो आधे सब्जी आ चुके हैं और आ रहा है, फिलहाल पहले आपको रोटी मिला जाए, रोटी दिया जाएगा। ये देख सकते हो सैलेड आ चुका है। और ये अचार आ चुका है देख सकते हो। और ये देख सकते हो ये कढ़ी है, कढ़ी आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा थाली फिल हो चुका है, अब रोटी आएगा। रोटी खा लेने के बाद आपको चावल दिया जाता है, पहले आपको रोटी खाना है, बाकी अगर रोटी भी नहीं खाओगे तो चावल बोलोगे तो चावल भी डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो अपना रोटी आएगा, रोटी को खाएंगे सारे सब्जियों में। तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या सब्जी दिया गया है, फिलहाल समय के हिसाब से चेंजेस होते रहता है सब्जियों वगैरह में। और ये देख सकते हो मीठे में आ चुका है रसगुल्ला। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पूरे थाले में जितने भी कटोरी है, सब्जी है, सैलेड वगैरह सब चीज ऐड हो चुका है, अब रोटी लाया जाएगा। तो चलिए इन सभी को मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो ये लौकी की सब्जी है, और ये आलू की सब्जी है, और ये पनीर और चने की सब्जी है, और यहाँ पर दाल है, दाल के बाद आपको दिख जाएगा रायता, रायता के बाद आपको दिख जाएगा खट्टे में कड़ी, और यहाँ पर सैलेड है ये देख सकते हो, और अचार भी है गाइस, और मीठे में रसगुल्ला है। और अपने भैया तो खाना चालू कर चुके हैं, ये देख सकते हो उनको बहुत भूख लग रहा था ना इस वजह से, बाकी मैं भी खाना चालू करता हूँ। तो देख सकते हो अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं। तो गाइस फाइनली कोरबा शहर के सुरुचि रेस्टोरेंट में देख सकते हो मेरा थाली लग चुका है, और यहाँ जो सब्जी है वो अनलिमिटेड है गाइस, आप जितना चाहो उतना सब्जी खा सकते हो, सिर्फ मीठे में आपको रसगुल्ला दोबारा नहीं दिया जाएगा, ये जो चीज है रसगुल्ला दोबारा नहीं दिया जाएगा। फिर जो सारे सब्जियां हैं और जितना रोटी है उतना खा सकते हो, जितना चाहो उतना रोटी खा सकते हो अनलिमिटेड। तो चलिए अब रोटी खा लेते हैं आप अपना, रोटी खाने के बाद तो चावल आएगा, बाकी तगड़ा भूख लग रहा है। तो मैं अभी पनीर के साथ खाता हूँ रोटी को, पनीर और चने के साथ, ये देख सकते हो। अब चलिए आलू के साथ खा लेते हैं, रुको भी अभी। तो देख सकते हो पूछते जाएंगे आपको खा लेने के बाद, अब आलू के साथ खाता हूँ रोटी को। दाल वगैरह है, दाल वगैरह का तो मैं चावल में खाऊंगा, मैं तो दाल चावल में खाना ज्यादा अच्छा लगता है, और कढ़ी वगैरह है। तो चलिए रोटी खा लेते हैं गाइस, खत्म करते हैं ठीक है। तो गाइस देख सकते हो सब्जियों को रिफिल करा जा रहा है, रोने भी आप ये देखें, जैसे ही खत्म हो जाएगा रिफिल करने के लिए भैया आ जाएंगे। अब इसके बाद एक रोटी बचा है छोटा सा, फिर मैं चावल मंगाऊंगा। तो गाइस मैं रोटी को खा चुका हूँ, अब चावल मंगा दिया हूँ भैया को, अब चावल लाने वाले हैं भैया। रोटी पूछ रहे थे और लोग करके, तो मैं बोला रोटी नहीं दिए, चावल ला दो आप करके। ये देख सकते हो चावल आ चुका है अपना बहुत गरम गरम, तो चलिए चावल को खा लेते हैं पनीर के साथ, बहुत गरम है गाइस चावल। आलू के साथ खा लेते हैं, आलू सब्जी के साथ।
बहुत अच्छा है गाइस। सो गाइस आपको 150 के अंडर में 150 रुपीज के अंदर में अनलिमिटेड खाना है खाना, तो आप सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा आ सकते हो। यहाँ आपको अनलिमिटेड खाना खिलाया जाएगा वो भी मात्र 150 रुपए में। तो मैं खा लेता हूँ, रोटी तो खा चुका हूँ, अब चावल खा रहा हूँ। सब्जी खत्म हो गया सब्जी मंगा लो, चावल खत्म हो गया चावल मंगा लो, रोटी खत्म हो गया रोटी मंगा लो, जो मंगाना है मंगा लो खा लो 150 रुपए में मात्र। तो गाइस चावल खा रहा था तो मेरा पनीर की सब्जी खत्म हो गया क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, उसे भी ज्यादा खा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो रिपील कर दिए भैया, बस भैया बात। तो गाइस चले खाना वाना खा लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस फिर आ चुके हैं अपने पनीर की सब्जी, ये देख सकते हो आलू की सब्जी, ये आ चुका है पत्ता गोभी की सब्जी। तो गाइस यहाँ हर दिन सब्जी चेंज होती रहती है, अभी हम लोग खा रहे थे क्या बोलते हैं लौकी की सब्जी, और अभी देख सकते हो पत्ता गोभी की सब्जी खत्म हो गया, न्यू सब्जी ऐड कर दी है। तो चलिए खा लेते हैं पत्ता गोभी की सब्जी को, टेस्ट करते हैं गाइस। तबाही गाइस तबाही। चलिए मैं खा लेता हूँ खाना, सब चीज को बार बार रिफिल किया जाता है, सिर्फ एक चीज को छोड़े मीठे को आपको दोबारा नहीं दिया जाता, फिर थाली में जितना भी चीज रहेगा आपको रिफिल किया जाएगा। तो चलिए खाना खाते हैं फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मेरा थाली खत्म हो चुका है, पूरा खाना को खा चुका हूँ, अब चलिए मीठा खा लेते हैं। रसगुल्ला मीठा मीठा। तो गाइस देख सकते हो, देखते ही देखते हो सुरुचि रेस्टोरेंट कोरबा में बहुत भीड़ हो चुका है, ये देख सकते हो आप, और सभी चीजों को रिफिल तुरंत तुरंत किया जाता है, ये देख सकते हो अंकल रिफिल कर रहे हैं तुरंत सब्जियों को। और हम लोग सामने में खाना वाना खा रहे थे लास्ट बेंच में, और देखिए गाइस कितना भीड़ है यहाँ, ये देखिए चावल हो गया, रायता हो गया, पूड़ी हो गया, पूड़ी बोलता हूँ, रोटी हो गया, और यहाँ पर देख सकते हो पैकिंग वगैरह भी होता है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो या पैक करवा के भी लेके जा सकते हो घर। सो गाइस यहाँ पर भैया ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, देख सकते हो मतलब कि बिल को पे कर रहे हैं, ये देखिए। एंड गाइस रुचि रेस्टोरेंट कोरबा का ये देख सकते हो, ये आउटलेट है, मेन्यू है, थाली करके पार्सल है, रविवार थाली, सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ये देख सकते हो, पर 150 से आपको ज्यादा का थाली नहीं मिलेगा, 150 के अंदर में आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो यहाँ। एंड गाइस यहाँ पर जैसे कि आप पार्सल करवा रहे हो तो बैठने के लिए भी सुविधा दिया गया है, देख सकते हो आराम से आप बैठ सकते हो, वेट कर सकते हो, ये देखिए। और सामने की तरफ हैंड वॉश करने का जगह है। एंड गाइस यहाँ पर एक आप देख सकते हो नोट करके लिखा हुआ है, एक थाली में एक ही आदमी खा सकते हो, उतना ही ले जितना थाली में बेकार ना जाए नाली में, ऐसे करके ग्राहक अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, धूम्रपान निषेध, मतलब कि धूम्रपान या सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है 11:30 से 4 बजे तक खुला रहता है, और शाम के 7 बजे से 10:30 बजे तक रात के गाइस। एंड यहाँ से देखो पूरा व्यू गाइस रेस्टोरेंट का, रुचि रेस्टोरेंट कोरबा, अनलिमिटेड खाना है तो यहाँ जरूर आना है आपको, मैं तो खा चुका हूँ। सो गाइस फाइनली कोरबा के सुरुचि रेस्टोरेंट में अनलिमिटेड खाना खा चुका हूँ, और सौंफ है, अब सौंफ को खा लेते हैं, पेमेंट वगैरह को ऑनलाइन किए थे हम लोग, देख सकते हो सौंफ को खा लिया हूँ। एंड गाइस यहाँ दिन भर भीड़ रहता है, जो काम करने वाले हैं सभी कोई आते हैं यहाँ खाने के लिए, दोपहर का खाना यहाँ खाते हैं, रात का भी खाना यहीं खाते हैं, बहुत लोग बहुत क्राउड है अंदर में, इसलिए मैं सौंफ को बाहर लेके आके खाया हूँ, वहाँ पर बिल पेमेंट करने कई लोग आ रहे हैं ये वो। सो गाइस फाइनली मैं कोरबा शहर के सुरुचि रेस्टोरेंट में खाना खा चुका हूँ, तो चलिए मैं यहाँ का आपको लोकेशन बता देता हूँ। घंटा घर कोरबा से अगर आप सुभाष चौक की ओर जाओगे तो राइट साइड में आपको शरद मेडिकल के जस्ट थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा शरद मेडिकल के, फिर आपको सुरुचि रेस्टोरेंट मिल जाएगा गाइस। तो बाकी मैं आपको लोकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ आइए और खाना वाना खाइए, मैं तो खाना खा चुका हूँ। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस 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 गाइस।